मेरा तो सिर्फ ये है, पंजाब क्यों पीछे रहे? हम पंजाब में हमारे को एमपी बना के भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन यहाँ हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं आके। तो यही लोगों का मन था भी, अगर आप, हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों, वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अभी लोग चाह, जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से, आगे भी आप सब जगह यही है भी, मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से, मेजोरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। एमपी तो बना ही देते हैं, एमपी तो फिर बना देते हैं वो, लेकिन जो काम सरकार में होते हैं, जो गवर्नमेंट से काम किसी स्टेट के लिए किए जाते हैं, उसे प्रायोरिटी दे के ये फैसला लिया गया है। मैंने जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब भी कोई पंजाब के लिए बात की है, तो उन्होंने उसे हमेशा हाँ पक्की, हमेशा उसे पॉजिटिव तरीके से लिया है, और आगे भी मेरी ऐसा हमेशा उनसे बातचीत होती रही है भाई, पंजाब आगे कैसे लेके जाना है। हर थोड़ी है पंजाबी कोई गोलियां खाता रहेगा या पंजाबी डंडे खाता रहेगा, वो चीज़ें हम सामने आके उसे पंजाबी को सेफ करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, देश ले रहा है तो पंजाब को क्यों ना मिले। सिर्फ एक काम ये है, अभी कोई नुमाइंदे एक बने थे, एक नुमाइंदा बना था वहाँ से, गुरदासपुर से जहाँ, और से वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, जिस वजह से नुकसान हुआ है। तो अब अच्छी तरह हम बीजेपी के वहाँ से एमपी जीत के आएंगे, और पंजाब का बनता हुआ, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, देश को रक्षा करने वाली वो स्टेट है, तो उसका हक है जो, वो यहाँ से लेके जाएंगे। इसीलिए ये फैसला, बहुत चिर से मेरी बातचीत उनसे हो रही थी, और जब उन्होंने ये कहा भी हम पंजाब के लिए ये चीजें करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम जाएं। नाउ एंड बीइंग ए सिटिंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम हेल्पलेस, बट नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गिव दैट टिकट टू सम न्यू पीपल, एंड तुसी आपने देखेंगे कि एक नया इनकलाब लुधियाना के अंदर होगा। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है बिटू का जाना। सो दैट्स वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको जाना है, इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म यार, एनीबॉडी कैन गो, आई कांट स्टॉप एनीबॉडी गोइंग, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब दे लोग माफ नहीं कर दे जिहड़े लोग औखे समय, दिस इज द डिफिकल्ट टाइम। पंजाबी क्यों जाने जाता है? पंजाबी इस करके जाने जाता है, इस तरह तो सरहद ते जिहड़ा फौजी लड़ रहा होएगा, इफ यू फील कि पाकिस्तान दे लोग 50 लोग आ गए तो एक सिंगल रह गया, वो छड़ के अपनी बंदूक लेके छड़ के आ जाएगा, पर याद उन्हूं रखा जाएगा जिहड़ा एक सिंगल बंदूक दे नाल लड़दे दम तोड़ जाएगा। मगर मुझे इस बात का मैं आपको बताऊं, हमें एक मिनट भी अफसोस नहीं हुआ इसके जाने का। कुछ लोगों के जाने का हमें पहले अफसोस हुआ, मगर इनके जाने का नहीं हुआ। इससे तो हमें बहुत, मैं समझता हूं, शांति आई, इनके जाने से शांति आई है। लोग पहले ही समझते थे कि इसको कैसे इसको जवाब दे दिया जाए, तो हमें तो ये मौका भी नहीं मिला, खुद ही भाग कर छोड़ गया, बहुत अच्छा हो गया, चला गया, बहुत अच्छा।